हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। इमेजिन, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं पहले भी और अभी बात करना चाहता हूं, वो है स्पाइडरमैन 4। और हाँ, ये स्पाइडरमैन 4 किसी और की नहीं है, टोबी की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पाइडरमैन 4 है टॉम हॉलैंड की। तो आज हम बात करने वाले स्पाइडरमैन 4 के बारे में, स्पाइडरमैन या ये टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में और दो तीन चीजें और आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ बात करेंगे, पूरी वीडियो एंड तक देखना। Hey guys, मैं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर स्पाइडरमैन 4 की बात करें तो ये मूवी कब आएगी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मूवी जो है मार्वल ने अनाउंस नहीं करी अपने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के पैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्वल जो है कभी भी अपने कॉमिक कॉन पैनल के अंदर ना स्पाइडरमैन के बारे में अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। वो एक हिंट दे सकते हैं लेकिन अनाउंसमेंट तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ। तो काफी लोग का सवाल तो ये था कि भाई केविन फाइगी ने तो स्पाइडरमैन 4 के बारे में अनाउंस ही नहीं किया, क्या स्पाइडरमैन 4 बनेगी या नहीं बनेगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हां, स्पाइडरमैन 4 भी बनेगी, 5 भी बनेगी, 6 भी बनेगी, 7, 8 और 9 भी बनेगी। तो उसके लिए अगर आपके मन में डाउट है तो वो तो बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि अभी टॉम हॉलैंड की 6 मूवी सिंगल आने वाली है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि हमारे सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर जो केविन भैया हैं उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं की। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, ये एक टिपिकली सोनी की मूवी है और जब भी सोनी अपनी स्लेट के बारे में अनाउंसमेंट करेगा ना, उस वक्त ही हम ये समझ सकते हैं कि सोनी वाले हमें बताएंगे स्पाइडरमैन 4, 5 या 6 कब आने वाली है। तो हाँ, मार्वल के किसी पैनल में तो एक्सपेक्टेशन मत करना, हो सकता है केविन भैया हिंट दें कि हाँ भाई आने वाली है, जो कि उन्होंने पहले भी दे रखा है, बट फुल फ्लेज अनाउंसमेंट अगर आप देखना चाहते हैं ना तो वो शायद आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोनी कब अनाउंस करेगा। आई हैव नो आइडिया सोनी कब अनाउंस करेगा, जब भी अनाउंस करेगा वो हमें डेफिनेटली बता देगा कि स्पाइडरमैन 4 कब आ रही है। अब चलो बात करते हैं कि स्पाइडरमैन 4 कब रिलीज हो सकती है। अब अगर मार्वल और सोनी के कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाए ना, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो मार्वल है उनको हर साल सोनी के साथ में मिलके, मतलब हर दूसरे साल सोनी के साथ में मिलके एक स्पाइडरमैन की मूवी बनानी पड़ेगी। टॉम हॉलैंड ऑलरेडी इसके लिए रिटर्न आ रहे हैं, जेकब बैटलॉन और जेंडिया का अभी कंफर्म नहीं है और आई थिंक वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर होंगे ही नहीं, क्योंकि एक तरह से ना टॉम हॉलैंड की जो स्पाइडरमैन वाली कहानी है ना वो रीबूट हो चुकी है, वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जेकब और जेंडिया को अगर दोबारा डाल दिया जाता है तो वही कहानी रिपीट हो जाएगी, विच आई डू नॉट वॉन्ट। तो आप ये समझ के चलो कि जो फर्स्ट मूवी आई थी वो आई थी 2017 में, फिर आई 19 में, फिर आई 21 में, जब तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अभी जो है टॉम हॉलैंड थोड़े से ब्रेक पे हैं और साथ साथ मार्वल वालों ने अनाउंस किया है कि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो 2023 के अंदर तो आप स्पाइडरमैन 4 बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। स्पाइडरमैन जो 3 थी ना, यानी स्पाइडरमैन नो वे होम जो थी ना, वो हमारे दिसंबर में इसलिए आई थी क्योंकि इसको जुलाई में रिलीज नहीं किया जा सकता था। तो हाँ, 2022 ऑब्वियसली नहीं आने वाली, 2023 नहीं आने वाली। जो हमें स्पाइडरमैन 4 देखने मिलेगी ना वो आपको देखने मिलेगी 2024 के अंदर, और मैं आपको बताता हूँ कौन सा मंथ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन विच आई हैव मेड, मेरे हिसाब से ये जो मूवी आएगी ना ये जून और जुलाई के 2024 के आसपास रिलीज हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि भाई इस टाइम तो मार्वल ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसे ब्लेड है और द मार्वल्स है और पता नहीं कौन कौन सी मूवी है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर डेट अनाउंस की गई है ना, आप उनको परमानेंट ना मान के चलें, आप ये मान के चलें कि वो 2-3 महीने से बैक भी हो सकती है और 2-3 महीने आगे भी हो सकती है। और अगर उनको स्पाइडरमैन 4 के लिए जगह बनानी है, जो कि ऑब्वियसली उनको बनानी ही पड़ेगी, तब मुझे लगता है कि 2-3 जो फिल्में हैं ना मार्वल की वो शिफ्ट हो जाएंगी और जून या जुलाई के अंदर 2024 के अंदर आपको स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन 4 में क्या होने वाला है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि पीटर पार्कर की जो कहानी है ना वो एक तरह से नई तरीके से शुरू हो चुकी है। अब उसके पास कोई भी नहीं है, आंट में तो ऑब्वियसली नहीं है, मिस्टर स्टार्क भी नहीं है, सब लोग उसको भूल चुके हैं। तो यहाँ पर एक परफेक्ट चांस है पीटर पार्कर को एक ऐसी कहानी देने का जहां पर उसको अकेले रहना पड़े और सबसे डील करना पड़े। और मुझे लगता है मैं जानता हूं कि वो क्या कहानी होने वाली है। मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 4 में ना हमें फाइनली इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा नॉर्मन ऑसबोर्न का। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबोर्न का ना ही कोई हिंट दिया गया है, ना ही इसके बारे में कुछ बताया गया है। यहां तक कि एक साइड कैरेक्टर को भी कास्ट करके नहीं बताया गया है जो कि नॉर्मन ऑसबोर्न से रिलेटेड हो। तो मैं आपको बता सकता हूं स्पाइडरमैन 4 में आपको नॉर्मन ऑसबोर्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में जो टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर है, जहां पे वो स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है, आई थिंक कॉलेज में जाएगा, आई डोंट नो, वहां का सिस्टम मुझे पता नहीं है, तो जहां भी वो जाएगा पढ़ने के लिए वहां पर उसको हैरी ऑसबोर्न मिल सकता है जो कि उसका दोस्त बनेगा और उसी के थ्रू वो मिलेगा उनके फादर कौन, नॉर्मन ऑसबोर्न से। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पीटर पार्कर को ऑलरेडी बात पता है कि नॉर्मन ऑसबोर्न कौन है, वो इस बात को जानता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उस वाले नॉर्मन ऑसबोर्न को एक तरह से एक्सपेक्ट करने की कोशिश करें कि शायद ये एक इविल विलन तो नहीं बन जाएगा। अब शायद इस कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमें नॉर्मन ऑसबोर्न जो है ना वो ग्रीन गॉब्लिन बनता हुआ ना देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 बार देख लिया है, मतलब 3 बार देख लिया ग्रीन गॉब्लिन। तो मेरे ख्याल से मार्वल वाले इस चीज फॉलो नहीं करेंगे, हमें नॉर्मन ऑसबोर्न देखने को मिलेगा। बट अगर आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं
कि वो ग्रीन गॉब्लिन बनेगा, तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। जिसे मुझे लगता है, मेरे को लगना मतलब कंफर्म नहीं है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में। एक रूमर थोड़े दिन पहले मैंने सुना था, वो ये था कि फैंटास्टिक फोर की जो मूवी आने वाली है ना नवंबर 2024 के अंदर, उसके अंदर हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिलेगा। क्या इस बात में सच्चाई है? मेरे हिसाब से 80% हाँ, 20% ना। 80% हाँ इसलिए क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी बहुत बार जो है स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर का जो कोलैबोरेशन है बहुत बार हो चुका है। एक सूट भी स्पाइडरमैन को दिया था, मतलब फैंटास्टिक फोर ने, आप देख लेना वाला मैं सूट डाल दूंगा जिसमें वो बैग वगैरह पहनता है, बहुत ही अच्छा सूट है। आई थिंक उस सूट का नाम है बॉम्बास्टिक बैग मैन, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि फैंटास्टिक फोर के अंदर स्पाइडरमैन नहीं आ सकता। जॉन वॉट्स है जो कि एक्चुअली में पुराने डायरेक्टर थे, जिन्होंने ये कहा था कि मैं फैंटास्टिक फोर की मूवी को डायरेक्ट करूंगा, अपनी स्पाइडरमैन 2 में यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर वो फैंटास्टिक फोर को लेकर एक बहुत ही बड़ा ईस्टर एग दे गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है वी आर एक्साइटेड टू शो यू व्हाट कम्स नेक्स्ट, और यहाँ पे तीन चीज लिखी है 1, 2, 3 और बाद में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो ये एक टीज माना जा रहा था कि यहाँ पर ये फैंटास्टिक फोर का टीज है। काफी लोगों ने इसको मिस कर दिया, बट कुछ लोगों ने जैसे कि मैंने पकड़ लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है कि हमें फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को मिले। एक चीज और जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये है कि ये जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है ना, ये जरूरी नहीं है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही हमेशा के लिए रहेगा। आपको ये बात ऑलरेडी बताया है कि 2023 के अंदर एक मूवी सोनी बना रहा है जिसका नाम है मैडम वेब, जिसमें डकोटा जॉनसन होने वाली है। आई लव हर ऑब्वियसली, हु डजंट लव हर। कहने मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो मार्वल के कैरेक्टर हमें स्पाइडरमैन के अंदर देखने को मिले हैं वही सेम कैरेक्टर वहां पर भी देखने को मिले। ऐसा हो सकता है कि मैडम वेब इस स्पाइडरमैन को, उस वाले स्पाइडरमैन को, उस वाले स्पाइडरमैन को, सारे स्पाइडरमैन को इकट्ठा करे और सोनी वाले इसको लेकर कोई डिफरेंट कहानी ही बना सकते हैं। तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैडम वेब मूवी जब आपको देखने को मिलेगी ना, उसके अंदर भी शायद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का मेंशन, कैमियो, रोल कुछ तो हो सकता है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि होगा, और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो आपको भी करना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें ही पता है। इन दी एंड में ये कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 कहाँ है, सैन डिएगो कॉमिक कॉन नहीं अनाउंस किया, सोनी का प्लान क्या है उनको लेकर, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, कहानी 4 में क्या होने वाली है, विलन कौन कौन होने वाला है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको एक बार देख लेना, उसमें मैंने स्पाइडरमैन 4 को और भी ज्यादा डिटेल के अंदर फोकस करके बताया है। तो हाँ, यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखना। यू नो आई लव स्पाइडरमैन एंड आई लव टॉम हॉलैंड। और हाँ, टाजम यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की अपडेट थी मेरे पास, मैंने एक वीडियो पे 2000 लाइक मांगे थे, आपने नहीं दिए, इसलिए वो वीडियो भी नहीं आई अभी तक। अगर इस वीडियो पे 2500 लाइक आते हैं तो वो वीडियो जरूर आएगी। मुझे पता है इस वीडियो पे 10,000 प्लस व्यू आने वाले हैं, लेकिन हर कोई जो देखता है वो लाइक नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई। लाइक करो 2500 अगर आपको द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं देना चाहता हूं वो आपको, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय, स्टे किल, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।